हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। करदी वीडियो में आज हम फिर से विषय के साथ हाजिर हुए हैं। समय निकाल के इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। जीवन और मौत की मौत का सवाल है। जीवन और मृत्यु आपके बात सामने रखी हुई है। परमेश्वर ने चुनाव आपके हाथ में दिया है। जीवन और मौत, चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है। चुनो जिसको चुनना चाहते हो। संकेत फाटक से जाना चाहते हो या चौड़े फाटक से जाना चाहते हो, चुनाव आपका है, फैसला भी आपका है। चुनो, निर्णय लेना आपका काम है। परमेश्वर ने आपके पास वचन दे दिया है। कल किसने देखा, कल किसने देखा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल किसने देखा। आज अभी यीशु मसीह को याद कर लो, अपना मन फिरा लो, पापों से तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। यदि आपके जो पाप हैं, गुप्त रीति से पाप हैं, या लड़की या लड़के के पाप हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लक्षण हैं या पाप हैं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, तो अपने दिल और दिमाग से यह ख्याल निकाल देना कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। नो नो, परमेश्वर आपको स्वर्ग कभी नहीं देगा। जहां पर मेरा परमेश्वर रहता है, वह जगह पवित्र है, वहां सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने पाप किया, व्यभिचार किया, टीलों में, झाड़ियों में, रूम में, पहाड़ियों में चिपके जो पाप किया है तुमने, परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 34:21 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना करने वाले छिप सके। ऐसा स्थान, कोई टाइम, कोई समय, कोई गुप्त स्थान परमेश्वर ने नहीं ठहराया है कि इंसान छिप कर, परमेश्वर से छिप कर पाप करे जाकर। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी समय है, अभी समय है। लौटो परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको माफ कर देगा, माफ कर देगा। आप एक बात दिल से गहरा से सोच कर देखो कि आप कब तक पाप करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे, कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे, कब तक बनाते रहोगे, कब तक। क्या अंत नहीं, क्या अंत नहीं। इन सब पापों का अंत है, अंत है। परंतु जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो मसीही परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी व्यवस्था पर चलेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। संसार की अभिलाषाएं, इच्छाएं, ये मिट जाएंगी। बाइबल बताती है जो संसार के अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो पाप है, जो विचार है, ये एक दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु जो मसीही परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी व्यवस्था पर चलेगा, वह कभी नाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। अभी समय है। अगर आपके में पाप है, गुप्त रीति से पाप है, विचार है, गुना है, पाप है, अगर आप सेक्स वीडियो देख रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आपके अंदर गर्लफ्रेंड, चाहे जितनी भी अच्छी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, उसे अभी छोड़ दो, अभी गुड बाय बोल दो, अभी पश्चाताप कर लो और बोल दो परमेश्वर से कि हे प्रभु, मुझसे हो गई गलती, मुझसे हो गया अपराध, मुझसे हो गया पाप। परमेश्वर आपको माफ कर देगा, माफ कर देगा। हमें ज्यादा पाप नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी डेथ कभी भी हो सकती है, अचानक कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए हमारा उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बिना उद्धार ही के मर गए, बिना सुसमाचार ही के मर गए, तो जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, शरीर से आत्मा बाहर आ गई, तो चाहे जितनी भी प्रार्थना क्यों न की जाए, वो मुर्दा जीवित नहीं होगा, मुर्दा जीवित नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना उचित है। न्याय ठहराया है परमेश्वर ने, उसका न्याय करेगा परमेश्वर, उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करके परमेश्वर नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है। जिस प्रकार से धनवान एक बूंद प्यास के कारण रहा है, उसकी जीव एक बूंद प्यास के कारण ऐंठ रही है, तड़प पड़ी है, उसी प्रकार से आपकी जीव एक बूंद प्यास के कारण तड़पेगी, ऐंठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस नरक की आग में, उस अनंत काल की आग में। आग में अभी तो मजा आ रहा है,
अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी आप सौरान से खुशहाल से भरी जिंदगी जी रहे हो, मगर याद रखना ऐसी ही जिंदगी लोग नूह के दिनों में जी रहे थे। उनको नूह ने मन फिराओ का सुसमाचार सुनाया कि मन फिरा लो वरना परमेश्वर आपको नाश करके रख देगा, परंतु उन लोगों ने नूह की बात को नहीं माना। आज उसी प्रकार से मैं नूह की तरह चिल्ला के लोगों को बता रहा हूँ, पाप ना करो, व्यभिचार ना करो, बुराई ना करो, पवित्र जीवन जियो, उसके वचन पर चलो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो परमेश्वर कब आएगा। जिस समय रैप्चर हो गया, कलीसिया उठा ली गई, शांति उठा ली गई, उस समय हाहाकार मच जाएगा इस धरती के ऊपर, हाहाकार मच जाएगा, त्राही त्राही मची होगी, त्राही त्राही मची होगी, उस समय गला कटना, हाथ कटना, पैर कटना शुरू हो जाएगा, उस समय हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। समय है पश्चाताप करो, लौटाओ, पश्चाताप करो, लौटाओ, यीशु मसीह से बोल दो, अभी समय है, अभी वक्त है, बोल दो, और बोल दो परमेश्वर से कि हे प्रभु मुझसे हो गया अपराध, मुझसे हो गया गुनाह, मुझसे हो गया पाप, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, परमेश्वर माफ करेगा, माफ करेगा। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह बहनों के पास दबा के शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, गुड लक।